हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। फिर भी एक नया वीडियो में आप लोग सबको एक प्यारे से ब्लॉग में सबका स्वागत कर रहा हूँ। मुझे यकीन है कि आप लोग सब स्वस्थ और मस्त होंगे, मैं भी स्वस्थ और मस्त हूँ। आज तो मैं क्या दिखाने वाला हूँ आप लोग को, ये बताने जा रहा हूँ। आज मैं लॉन्गलिंग में हूँ अपना जगह में, और अपना जगह का थोड़ा एक्सप्लोर करके आप लोग को दिखाऊँगा ऐसा सोच के आया हूँ। अभी मैं थोड़ा मार्केट करने के लिए दोस्तों का, मेरा बीवी का, वो दीदी का बच्चा है, उसके लिए थोड़ा ट्रेडिशनल वो कपड़ा देखने के लिए आया हूँ। तो आप लोग को वो दिखाने के लिए जा रहा हूँ। तो आप लोग सभी मेरे वीडियो में अंत तक बने रहना बिना स्किप किए हुए, और मेरे वीडियो को आप लोग ज़रूर पसंद करेंगे करके। इसलिए मुझे बहुत यकीन है आप लोग मेरे वीडियो को लास्ट तक देखे हुए हमेशा। तो आप लोग अभी देखो, आइए हम लोग देखते हैं सब एक साथ क्या होता है। और सिग्नल वगैरह है मैंने देख लिया ऑलरेडी, लेकिन इसमें मुझे पसंद वाला कुछ नहीं था। और दुकान जो है यहाँ में ऐसा है, हम लोग का वो ट्रेडिशनल बिक्री करता है ना, वो ऐसा सब यहाँ में मिलता है। तो अभी ये बाहर से दिखा रहा हूँ, मैं थोड़ा अंदर में जाके दिखाऊंगा। ये नहीं, ये है हम लोग का ट्रेडिशनल कोट है, ये वेस्टकोट। ये जो है लड़की का, बच्चा का है, और ये भी लड़की का है, लेडीज का, और ये जेंट्स का होता है, और ये भी लेडीज का है। डिजाइन अलग अलग हुआ है, और ये जेंट्स का है, ये भी, ये अलग अलग से आते हैं, कुछ माठे कुछ ये दांत वगैरह इसका ऐसा आता है, और ये अलग अलग टाइप की है। ये झोला है, झोला जो सवाल है ये, तो ये लोग तो। और ये है लड़की का मेखला हैंड बैग, बहुत अच्छा अच्छा हम लोग का ट्रेडिशनल का हैंड बैग वगैरह बहुत अच्छा मिलता है। और आप लोग भी कभी कभी यहाँ में विजिट करने से आगे विजिट कर लेना। दुकान का नाम, ये दुकान का नाम तो कुछ लिखा नहीं है अभी, ऐसा है आप लोग को दिखाता हूँ, तो आप लोग देख लेना। और सीधे इधर से आके नीचे की तरफ से, ये इधर से दीमापुर का रास्ता है रे, दीमापुर चंदुनिया कोहिमा का सब रास्ता इधर से जाता है। और कोहिमा तक दीमापुर से आने का तरफ से ये सेकंड पुलिस पॉइंट होगा, ट्रैफिक पॉइंट, सेकंड ट्रैफिक पॉइंट होगा। तो यहाँ से सीधा आगे थोड़ा सा राइट साइड में होगा, तो यहाँ से ऐसा दुकान है, यहाँ में लेके आके ले सकता है। अच्छा अच्छा खासा डिज़ाइन वाला कपड़ा मिलता है यहाँ में ना, तो आप लोग ये देखने रहना आके, कभी कभी यहाँ से भी खरीद लेना, और कुछ अच्छा अमाउंट में मिल रहा है ना, पूरा ट्रेडिशनल सब यहाँ में भी है, वहाँ में भी ट्रेडिशनल का ही है, कुछ मिल रहा है। तो गाइस आइए, आप लोग को यहाँ का जो दिखा दिया, और बाद में क्या होता है सब एक साथ देखते हैं। सो गाइस, अभी हम कुछ नया रेस्टोरेंट खोला था, उसमें जाके थोड़ा देख लिया मेन्यू वगैरह कैसा है और कैसा मिलता है, क्या फैसिलिटी है, वो सब वो जानकारी लेने के लिए हम आया था। लेकिन रेस्टोरेंट में अंदर में घुसने के लिए जगह नहीं दिखाया आप लोग को। लेकिन अभी ये देखो, इतना बड़ा रेस्टोरेंट है, और सबसे ऊपर में है, और ये पूरा इधर में रिसेप्शन वगैरह भी मिल रहा है ऐसा सुना है। और सबसे ऊपर है एक दो तीन ये, और ये हो गया चार, तो छः तला में है, पाँच तला में है, पाँच तला में। इतना अच्छा और स्थान भी, इतना सुंदर सा जगह है। तो कोई कोई आप लोग यहाँ में आगे भी विजिट कर सकते हो, यहाँ में खाना पीना खा सकते हो, लॉजिंग भी है यहाँ में, फूडिंग एंड लॉजिंग है, और बहुत अच्छा सुंदर रेस्टोरेंट एक है, नया है। अच्छा, काफ़ी एक दो महीना हो गया ये खोल के, ज़्यादा पुराना नहीं हुआ है, नया नया है, और फैसिलिटी सब अच्छा है, अच्छा खासा फैसिलिटी है। और आप लोग यहाँ में आके कोई विजिट भी कर सकते हो। तो रेस्टोरेंट का नाम दिखाते हो आप लोग को जो, और ये है रेस्टोरेंट का असल जो नाम है, और यहाँ से आप लोग विजिट करके आ सकते हो बिल्कुल बीच का रास्ते के किनारे में। तो ऐसा है, तो आप लोग ये भी खींच देख सकते हो।
तो अभी गाइस हम को क्या होता है क्या नहीं होता है ना, और बाकी भी दिखाना है आप लोग को लॉन्गिंग का जगह तो अच्छा अच्छा है। हम लोग का लॉन्गिंग अच्छा है, अभी ठंडा है, मौसम ठंडा है, गर्म इतना गर्म नहीं है दिमापुर का, और आप लोग भी आके यहाँ में मज़े ले सकते हो दिमापुर के, और दूसरा जगह से आके आप लोग ठंडा का मौसम लेना चाहते हो तो आके यहाँ में ले सकते हो ऐसा आप लोग को। सो गाइस अभी हम आए हैं कुछ ऑर्गेनिक फ्रूट्स वगैरह सब्जी वगैरह खरीदने के लिए, आप लोग को दिखाने के लिए ये दिख रहा हूँ। आप लोग इस फ्रूट को क्या कहते हैं, इस फ्रूट को क्या कहते हैं आप लोग कमेंट कर देना। और इधर में है लोकल कोकम्बर और लोकल चिल्ली, और ये है तमूल, तमूल भी है ये। सो गाइस ये देखो हम लोग का मौसम बहुत अच्छा और ठंडा 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 मौसम है, बिल्कुल एसी की तरह, और नेचर एसी है, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ आकर। और घर में स्पेशली घर पहुँचने के बाद मुझे बहुत दिल को सुकून मिल रहा है। और अभी आप लोग को जो दिखाना चाहता हूँ ये है हम लोग का टाउन एरिया, लेकिन अभी यहाँ पूरा से पूरा कवर नहीं कर पा रहा क्योंकि ये जंगल बेम्बू वगैरह से ढका हुआ है, बंद करके रखा हुआ है, इसलिए नहीं देख रहा है। और अब आज दिन भर इतना अच्छा मौसम था, और अभी थोड़ा बारिश होने का जैसा, बारिश देने का जैसा मौसम जो हो रहा है, अभी शाम का मौसम है। तो गाइस आप लोग कैसे हैं, मैं मुझे तो आप लोग का बहुत याद आ रहा है, आप लोग से विदा होने का बाद तो कुछ करने का मन ही नहीं लग रहा है मुझे, और बहुत बहुत बोरिंग हो चुका हूँ। लेकिन आज से हम फिर काम करने के लिए शुरू करेगा, और वैसे तो मेरा इतना कंटेंट नहीं बन सकता है क्योंकि यहाँ में ना जो मेरा भी अलग काम का भी है, काम भी है, जो छोटा मोटा एक दुकान भी खोल के रखा है उसमें भी टाइम देना पड़ता है, और इधर उधर चलने का भी टाइम देना पड़ता है घर परिवार को। और मेरा घर की हालत तो बहुत बुरा हो गया था क्योंकि हम इतना दिनों से घर में नहीं आया था ना, इसलिए आज तो मेरा घर का काम पूरा मैं वो ख़त्म कर दिया, लेकिन आप लोग को मैं दिखा नहीं पाया क्योंकि मेरे पास जो कैमरा मैन नहीं है, हम अकेला हूँ कैमरा के लिए, और दूसरा को ये कैमरा होल्ड करने के लिए देने से भी वो लोग अच्छा से कैमरा होल्ड नहीं कर पाता है, और क्या करो मुश्किल है यूट्यूब में काम करने के लिए, लेकिन जैसे तैसे करना पड़ता है और आगे बढ़ना पड़ेगा मुझे। और मेरा जो वीडियो भी है आप लोग से इतना दिन भर दिन तो मैं नहीं बेच सकूँगा, इसलिए थोड़ा माफ़ कर दूँगा, क्योंकि दो दिन के बाद नहीं तो तीन दिन के बाद एक वीडियो आ सकता है, आप लोग उसको ज़रूर देखना। सो गाइस अभी हम जा रहा हूँ मेरा दुकान की ओर, आप लोग को थोड़ा मेरा दुकान दिखाऊँगा, आप लोग को मेरा दुकान ज़्यादा दिन नहीं दिखाया था, और दिखाना पड़ेगा आप लोग को मेरा दुकान कैसा है। और ज़्यादा सामान नहीं है मेरा दुकान, छोटा सा सामान है, छोटा सा दुकान है, और वहाँ मैं जाके कुछ आप लोग को दिखाने वाला हूँ। और मेरे वीडियो में आप लोग बिना स्केप किए हुए अंत तक देखते रहना, बने रहना, और क्या है आओ दिखता है। तो यहाँ में थोड़ा बच्चा लोग है, तो बच्चा लोग थोड़ा शरारती कर रहे हैं, वो लोग मेरे चैनल में आने के लिए बोल रहे हैं। आज वो तो गोलो बोलो ये है, ये हेलो गाइस टोक्ता, टोक्ता ये टोक्ता सामी तो माजी नुतगो मा, ये बहुत मोटा हो गया यार देखो, पहले से इतना चिकना सा था अभी इतना बड़ा हो गया, देखो यार बाप रे बाप रे, मुझे असुरित लग रहा है यार। और जो ये है, सो
सो गाइस, आप लोग को मेरा दुकान दिखाने का थोड़ा इरादा था, लेकिन अभी काफ़ी अंधेरा हो रहा है, दिखा नहीं पाऊँगा। तो आज का वीडियो इतना मैं ख़त्म कर रहा हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय। अगला वीडियो में मिलते हैं।